है मटर का चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भवानी ईटिंग शो। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब कोई बहुत ही अच्छे हो, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक खाली कटोरा चम्मच ले रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ स्पेशल सा नाश्ता जो आप लोग शाम के समय नाश्ते पे ले सकते हो, बच्चे भी खा सकते हो, बूढ़े भी खा सकते हो। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्या करते हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए मैं क्या अच्छा नाश्ता बना सकती हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर में कुछ उबला हुआ बॉयल किया हुआ मटर ले ली हूँ। दोस्तों मैंने इधर में मसाला डाली हूँ, ये रोस्टेड मसाला पाउडर, जीरा, धनिया और राई, और इसके ऊपर से मैं चिली पाउडर डाली हूँ। दोस्तों गलती से मैंने कैमरा को ऑन करने भूल गया था तो मैंने खीरा थोड़ा डाल ही दिया, ये खीरा है। और उसके ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ा सा टमाटर, फिर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। दोस्तों बहुत ही स्वाद आने वाला है। और ये है नींबू, अगर आप लोगों को नींबू पसंद है तो आप नींबू का रस थोड़ा निचोड़ के डाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। दोस्तों अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जो काफ़ी टेस्ट होगा इससे, और मैं अभी डालूंगी इसमें टोमेटो सॉस। तो दोस्तों अगर आप घर में टमाटर की चटनी बना के डाल सकते हो तो वो बहुत ही फायदेमंद है, तो आप चाहे तो वही डाल सकते हो। दोस्तों फिर मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ काला नमक। दोस्तों आपके पास धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और खीरा डाल देती हूँ और थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, और इसके ऊपर से थोड़ा सा मसाला। दोस्तों यह है चम्मच, और आपको नींबू का ज़रूरी हो तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मेरा मटर का बना हुआ नाश्ता तैयार हो चुका है। कैसे हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा है। आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता ही है दोस्तों, साथ ही आप लोग कमेंट में भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।